बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आने वाले इतवार के दिन 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी शख्सियत, 30-35 साल से बुखारी शरीफ पढ़ाने वाली शख्सियत और माशाल्लाह पूरी दुनिया में गोया के दीन के काम को लेकर जाने वाली शख्सियत, जिससे हमारी मुराद हज़रत मौलाना अकबर शरीफ साहब नदवी व कासमी दामद बरकातुहुम, आप तमाम हजरात की दुआओं से हमारे शहर बागलकोट को तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा इतवार के दिन 2 अक्टूबर बाद नमाज मगरिब मुत्तसिलन हजरत अकदस का सीरतुन्नबी के उनवान पर बहुत ही अहम खिताब बयान होगा। हजरत का उस दिन रात में वापसी का सफर है, हुबली से हजरत की ट्रेन है रात के 12 बजे, इसलिए बयान मगरिब के फौरन बाद शुरू होने जा रहा है। आप तमाम बागलकोट व अतराफ के जितने भी अहबाब हमारा ये पैगाम सुन रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि उस दिन मगरिब की नमाज अंजुमन ग्राउंड के, नौनगर के अंजुमन ग्राउंड के अतराफ की जो मस्जिद हैं वहां पढ़कर फौरन जलसगा अंजुमन के ग्राउंड में आने की कोशिश करें। जितना जल्दी आप तमाम आएंगे उतना जल्दी हमारा प्रोग्राम शुरू होगा और हजरत की बात ज्यादा से ज्यादा सुनने का हमें मौका मिलेगा। अगर ताखिर हो गई फिर बड़ा नुकसान होगा, बहुत सारे खराजात करके फायदा नहीं उठा सकेंगे, इसलिए दोबारा हम दरख्वास्त करते हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में दोस्तों अहबाब को लेकर मगरिब की नमाज अतराफ में वही मस्जिद में पढ़कर फौरन अंजुमन ग्राउंड पहुंचने की कोशिश करें। और मस्तूरात के लिए भी इंशाल्लाह वहां पर्दे का माकूल इंतजाम किया जा रहा है, अपनी मस्तूरात को भी साथ में लाने की कोशिश करें। ये सीरतुन नबी के उनवान पर जलसा है, बहुत बड़ी शख्सियत हमारे इलाके में आ रही है तो हम इसका भरपूर फायदा उठाने वाले बने। अल्लाह ताला हम तमाम को इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इसे जरिया बनाकर पूरे आलम में और खुसूसन हिंदुस्तान में जालिमों से और कयामत यहाँ इस्लाम जिंदा रहे, मुसलमान इज्जत और अमन के साथ यहाँ बाकी रहें, अल्लाह इसकी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।